आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। बंगाली भाभी ने मेरे लिए फिश भेजी क्योंकि उनको पता है कि मेरे यहाँ फिश नहीं बनती। एक्चुअली मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनता क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल में भी कोई नहीं खाता। अब देखो मेरी बिटिया इसको देख रही है और वो बिल्कुल भी इसे खाना नहीं चाहती है। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल में सब कोई नहीं चाहता कि मेरी बिटिया खाए, तो देखो उसको इसी तरीके से ट्रेन किया गया है कि नहीं खाना है और वो देखो कैसे छीन रही है, हटा रही है कि उसको भी नहीं खाना और वो चाहती है कि मम्मा भी ना खाए फिश। लेकिन मेरे मायके में तो सब खाते थे और मैं भी खाती हूँ। जब से मैं इस ससुराल में आई हूँ जहाँ कोई नहीं खाता, तब से मेरा खाना वाना बंद हो गया। ये फिश मुझे खुद 4 महीने बाद मिली है खाने को। फिश की खुशबू तो जबरदस्त है इसमें। इस बार भाभी ने ना अलग फ्लेवर डाला है, इसमें शिमला मिर्च भी डाली है जिसकी वजह से एकदम अलग फ्लेवर और स्मेल भी थोड़ा अलग है और बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने चावल पहले से बना लिए थे क्योंकि मुझे मालूम था कि फिश आने वाला है, तो मैं फटाफट इसको खा लूंगी। बहुत समय बाद मैं खा रही हूँ, लगभग 4-5 महीने बाद। मेरे घर में बनता नहीं, मेरे पति कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, स्मेल आता है घर में, बर्तन में नॉनवेज ना बनाओ, ये वो फलाना ढिकाना। तो इससे अच्छा है कि मैं बनाती नहीं हूँ, कौन 4 बात सुने। तो जितने लोग भी नॉन वेजिटेरियन है उन्हें वेजिटेरियन के घर में शादी नहीं करना चाहिए, वरना नॉनवेज के लिए तरसना पड़ता है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।